गाइस, मैं हूं विवेक गौड़, आपका कूल फिजिकल थेरेपिस्ट। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैं आपको ये बता चुका हूं कि एडी में और तलवे में आपको किन कारणों से दर्द महसूस हो सकता है और वो दर्द आपको किस एरिया में आमतौर पर महसूस होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हुए मैं आपको आज ये बताऊंगा कि आपके पैर के तलवे के बीच वाले हिस्से में और आगे आपके पैर की उंगलियों और पैर के अंगूठे में किन कारणों से दर्द महसूस हो सकता है और वो दर्द आमतौर पर किन एरियाज में महसूस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैर के ऊपरी हिस्से की। आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग कलर्स में अलग अलग एरियाज को ड्रॉ किया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इन एरियाज में किन कारणों से दर्द आता है। शुरू करते हैं पैर के अंगूठे के पीछे। ये जो ब्राउन एरिया गोलाई में मैंने मार्क किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि इस एरिया में भी मैंने बीच में इसको डिवाइड किया हुआ है बाहर की और अंदर की तरफ में। तो पहले बात करेंगे इस ब्राउन एरिया में अंदर की साइड क्यों आमतौर पर दर्द महसूस होता है। सो इस एरिया में जो सबसे कॉमन कारण है दर्द आने का, वो है किसी स्पोर्ट्स के बाद ज़्यादा एक्टिविटी या फिर चोट लगने के बाद बिग टो का स्प्रेन होना, उसके कारण यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर जो है सूजन, हार्ड सूजन बोन की हो सकती है, जिसे कि बनियन कहते हैं, उन बनियंस के कारण भी आपको दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही गाउट यानी कि यूरिक एसिड बॉडी में बढ़ने से वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यहाँ पर सेटल होना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण कि आपको सुई चुभने जैसा दर्द महसूस हो सकता है। साथ में बहुत रेडनेस रह सकती है और सूजन महसूस हो सकती है। तो अब बात करते हैं इस एरिया की। तो यहाँ पर जो दर्द महसूस हो सकता है वो फर्स्ट मेटाटार्सल और इवन सेकंड मेटाटार्सल के फ्रैक्चर का दर्द यहाँ पर महसूस हो सकता है, जो कि आमतौर पर इंजरी या स्पोर्ट्स के साथ में मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण उसमें पैर का इन्वॉल्वमेंट होने का दर्द महसूस हो सकता है। नर्व दबने, जैसे कि मॉर्टन्स न्यूरोमा कहते हैं, उसके कारण दर्द महसूस हो सकता है। उंगलियों का टेढ़ापन होने के कारण दर्द महसूस हो सकता है। और मेटाटार्सल्जिया यानी कि पैर के पीछे के दर्द और सूजन के कारण भी आपको यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है। अब हम बात करेंगे पैर के उंगलियों की। तो यहाँ पर जो कॉमनली दर्द चोट लगने, ऊंचाई से छलांग मारने या फिर स्पोर्ट्स में आता है, वो फैलिंग्स के फ्रैक्चर का दर्द हो सकता है। साथ ही यहाँ पर दर्द आपको महसूस हो सकता है इनग्रोन टोनेल का, जिसे कि पेरोनाइकिया कहते हैं। यहाँ पे कॉर्न्स डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि तलवे के मस्से आप एक तरह से कह लें। साथ ही अगर आपको उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन रहता है, उसके कारण यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है। जो लोग हाई हील्स या अनकंफर्टेबल शूज़ पहनते हैं, उसमें नर्व दबने के कारण मॉर्टन्स न्यूरोमा यानी कि नर्व प्रेस होती है और यहाँ पर झंझनाहट, सुनपन के साथ दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही उंगलियों के टेढ़ेपन का दर्द भी यहाँ पर आपको महसूस हो सकता है। दोस्तों, ये ब्लू पेन से मैंने 5 मेटाटार्सल बोन्स ड्रॉ की हुई हैं। सो इनमें जो सबसे कॉमनली फ्रैक्चर्ड और इंजर्ड बोन है वो ये है, सेकंड मेटाटार्सल। यहाँ पर स्ट्रेस फ्रैक्चर होना कॉमन बात है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोड बियर करती है। इसके अलावा बिना चोट के भी इस एरिया में मेटाटार्सल्जिया हो सकता है, जिसमें कि सूजन और दर्द इन 5 बोन्स के ऊपर लग सकता है। नर्व दबने के कारण भी यहाँ पर मॉर्टन्स न्यूरोमा बन सकता है। इन मेटाटार्सल के बीच में जब नर्व दबना शुरू हो जाती है तो वो झंझनाहट, सुनपन के साथ दर्द कर सकती है। और आमतौर पर पाया जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इस एरिया में दर्द बना रहता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस रेड एरिया को। इस रेड एरिया में मैंने 2 तरह से ड्रॉ किया हुआ है। एक ये अंदर का एरिया जहाँ पर मैंने इस तरह से लाइन मार्क की हुई हैं, और एक ये बाहर का एरिया जहाँ पर मैंने डॉट्स डाले हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले अंदर के एरिया की। सो इस एरिया में दर्द दोस्तों आपको अगर अक्यूट, मतलब एकदम से शुरू हुआ है, तो वो आमतौर पर इंजरी का होता है। चोट लगने, गिरने या फिर ऊंचाई से छलांग मारने के बाद यहाँ पर टेलार नेक का फ्रैक्चर हो सकता है, नेविकुलर फ्रैक्चर हो सकता है या फिर लिसफ्रैंक फ्रैक्चर हो सकता है। साथ ही यहाँ पर दर्द आपको डायबिटिक फूट का मिल सकता है, टेलोनेविकुलर अर्थराइटिस का मिल सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस का दर्द भी यहाँ पर महसूस हो सकता है। और साथ ही पैरों में ऊपर से जो टेंडन आ रही हैं, उन टेंडन्स की अगर शीथ की स्वेलिंग होती है, जिसे कि गैंग्लियोनिक सिस्ट कहते हैं, उसका भी दर्द आपको इस एरिया में महसूस हो सकता है। आइए बात करते हैं अब इस एरिया की। तो यहाँ पर भी कई तरह की इंजरीज के कारण या फ्रैक्चर्स के कारण आपको पेन रह सकता है, अगर आपको चोट लगी है तो, जिसमें कि 5th मेटाटार्सल का फ्रैक्चर, डांसर्स फ्रैक्चर और लिसफ्रैंक फ्रैक्चर शामिल है। साथ ही क्योंकि ये एरिया बॉडी का वेट ट्रांसफ़र करने में मदद करता है, तो ओवरलोड यानी कि ज़्यादा प्रेशर पड़ने से भी इस एरिया में दर्द महसूस हो सकता है।
आइए बात करते हैं पैर के तलवे की। तो उसमें ये जो गोलाई में एरिया मैंने पिंक में मार्क किया हुआ है, तो यहाँ पर प्लांटर फेशाइटिस का दर्द बहुत कॉमन है, जो कि आमतौर पर इस एरिया में आपको सुबह सुबह ज़्यादा महसूस होता है। दोस्तों बात करते हैं इस एरिया की। तो सबसे कॉमन कारणों में जो एक है वो है टार्सल टनल सिंड्रोम, यानी कि यहाँ पर नस का दबना, जिसके कारण आपको झंझनाहट और सुनपन के साथ में दर्द महसूस हो सकता है। दोस्तों इन एरियाज़ के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो हमारा पिछला एंकल और हील पेन का वीडियो ज़रूर देखें। चलिए अब बात करते हैं इस रेड डॉटेड एरिया की। तो इस एरिया में आपको कई तरह की इंजरीज़ के साथ में दर्द महसूस हो सकता है, जिसमें कि अगेन फिफ्थ मेटाटार्सल का फ्रैक्चर, डांसर्स फ्रैक्चर, जोन्स फ्रैक्चर शामिल है। साथ ही में ओवरलोड यानी कि ओवर प्रेशर बनने से इस एरिया में भी दर्द महसूस हो सकता है। दोस्तों अगर हम पंजे की बात करें तो वहाँ पे पैर के अंगूठे के पीछे का ये जो एरिया है, जो ब्राउन में मैंने गुलाब बना रखा है, ये बहुत कॉमन साइट है पेन महसूस करने के लिए। और इसका सबसे आम तौर पर जो बड़ा कारण है पेन का, वो है बिग टो का स्प्रेन, यानी कि चोट लगने के बाद या एथलीट्स में ये दर्द आ सकता है। साथ ही यहाँ पे एक छोटी सी बोन होती है, सिस्मॉइड बोन मुझसे कहते हैं, उस बोन के फ्रैक्चर होने का दर्द भी यहाँ पर महसूस हो सकता है। और ऑफ कोर्स गाउट, जैसे कि मैंने बताया था यूरिक एसिड बनने से अगर गाउट बनता है तो सुई चुभने जैसा दर्द उसका भी यहाँ पर महसूस हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें इस ग्रीन एरिया की, तो यहाँ पर भी मैंने इस ग्रीन एरिया को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये ब्लैंक एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर दर्द आपको कॉमनली जो महसूस हो सकता है वो इंजरीज और फ्रैक्चर्स के बाद महसूस हो सकता है। साथ में ही आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस का भी यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है। मैंने अपने शुगर के पेशेंट में यहाँ पर डायबिटिक फूट अल्सर बनते हुए देखा हुआ है, तो उसका भी दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही में मेटाटार्सल बोन्स के बीच में अगर नर्व दबती है तो उसके कारण मॉर्टन्स न्यूरोमा यहाँ पर डेवलप हो सकता है, उसका दर्द महसूस हो सकता है, और मेटाटार्सलजिया का दर्द यहाँ पर महसूस हो सकता है। आइए बात करते हैं इस ग्रीन डॉटेड एरिया की। तो यहाँ पर जो आपको दर्द महसूस हो सकता है वो फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल के फ्रैक्चर का दर्द महसूस हो सकता है। साथ ही यहाँ पे प्लांटर वार्ट्स और कैलसेस, साथ में कॉर्न बनने की एक कॉमन साइट है, और साथ ही साथ यहाँ पर डायबिटिक फूट अल्सर का पेन, मेटाटार्सलजिया का पेन, और छोटी उंगली में मुड़ाव के कारण, जिसे कि बनियोनेट कहते हैं, उसका दर्द यहाँ पर महसूस हो सकता है। दोस्तों अगर हम बात करें पैर के उंगलियों की, तो यहाँ पर जो कॉमन कारण है दर्द होने के वो है इंजरी के बाद फेलेंजियल फ्रैक्चर होना, उसका दर्द महसूस हो सकता है। पेरोनाइकिया और फंगस होने के कारण यहाँ पर दर्द महसूस हो सकता है। कॉर्न और कैलसेस का दर्द डेवलप हो सकता है। साथ ही उंगली के टेढ़ेपन, जिसे कि क्लॉटोज कहते हैं, उसका दर्द भी आपको यहाँ पर महसूस हो सकता है। दोस्तों पैर के तलवे में दर्द यहाँ पर और इस एरिया में, जो लोग 60 की उम्र के ऊपर हैं या फिर किसी बीमारी के बाद ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं, उन लोगों में फैट पैट सिंड्रोम का दर्द इस एरिया में महसूस हो सकता है। पूरे पंजे की मैं बात करूं तो यहाँ सर प्लांटर फेशियाटिस का दर्द इस तरह से महसूस हो सकता है। साथ ही फ्लैट फीट या ओवर आर्च फुट में, यहाँ पे आर्च में पेन आपको महसूस हो सकता है। ऑलराइट दोस्तों, सो ये वो रीज़न थे जिसके कारण कि आपको आपके पैर के पंजे के बीच वाले हिस्से में और आगे पैर की उंगलियों और अंगूठों में दर्द महसूस हो सकता है। दोस्तों पूरे इंडिया से लोग हमें वेरियस प्रॉब्लम्स के लिए कंसल्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको भी पैर में, पंजे में, एड़ी में दर्द महसूस होता है तो आप मुझे अपनी रिपोर्ट्स, एक्सरे, एमआरआई जो भी अवेलेबल है, और अपनी प्रॉब्लम मेरे नंबर 72172-93555 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, और अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो आप डायरेक्टली उस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप मूविंग, कीप फिट, स्टे हेल्दी, बाय बाय।